तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। ये मेरा बेटा है, इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। माँ वो ऊपर क्या है? माँ मैं ऊपर जाऊंगा। माँ वो देखो तुम्हारी माँ क्या करने पर तुली हुई है। 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। शिवा रुक जा। अपने शिव को हजार बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। अब तो खुश हो ना। के पास गिर गया था, मतलब तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके आए। इसके पीछे जो मुस्कान है वही देखने तो आया था इतनी दूर से, लेकिन अब तक दिखी नहीं। मुझे क्षमा कर दो शिवा, लेकिन अपने लक्ष्य को भी। तुम मेरी हो अमन दिखा, तुम्हारा लक्ष्य भी मेरा है, लेकिन अगर तुम उस देव सेना की मुक्ति चाहती मैं ले आऊंगा, वचन देता हूं। महेशमती, चैन की सांस लो, मेरा बेटा आ गया, बाहुबली लौट आया। पचास गज ऊंची स्वर्ण प्रतिमा, इसकी प्रतिष्ठा होते ही आपके पुत्र महाराज भल्लाल देव की कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। बाहुबली का नाम सबसे पहले किसने लिया था? गधों के इस झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज। वो आंखें, उन आंखों को मैंने कहीं देखा है। मुझे वो जीवित चाहिए। मैं आपको छुड़ाने आया हूं मां। प्रतिघात! आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मैं हूं कौन? बाहुबली! इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। माँ
महारानी को बचा नहीं पाए माँ, पुत्र हुआ है। बाहुबली, राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा वही महाराजा कहलाएगा। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना राजा बनाया जाए, ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू, बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊं। मैं उत्तर दिशा की ओर से नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। अद्भुत, जो काल के सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा महिष्मति का सिंहासन। महिष्मति साम्राज्य पतते यस्य वीक्षणम्, तस्य शीर्षम् खड्गच्छिन्नम् पततां रणभूतले। बाहुबली अभी हमारा रक्षा कवच टूट चुका है। महिष्मति की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु, महासेना, क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। जिस रीछ ने हमारी माँ का अपमान किया वो उसका सर काटकर माँ के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूँ मैं। जय महिष्मते, जय महिष्मते। गिद्ध उसकी आंखें नोच खाए, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। या मेरा पुत्र। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मति की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूँ। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। वो देवता अब नहीं रहे। तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात महेंद्र। कौन दादा? वो नीच मैं हूँ।